तो बेटे और पति को खोने के बाद भी पूरा परिवार मतदान बूथ पर मतदान करने पहुंचा। हम बात कर रहे हैं विधायक भीमा मांडवी के परिवार की, जो कि नक्सली हमले के चलते अब इस दुनिया में नहीं है। आइए दिखाते हैं आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में कि किस तरह से इस दुख की घड़ी में भी एक पिता ने अपने जवान बेटे को खोने के बाद भी मतदान किया। अपने को खो देने के गम से ज्यादा कोई और बड़ा गम नहीं होता, और दुनिया में सबसे बड़ा डर भी जिंदगी को खोने का ही होता है। लेकिन इंसान डर और गम को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है, शायद इसी का नाम जिंदगी है। और ये वो जज्बा है जिसको रखने की हिम्मत हर किसी के अंदर नहीं होती। लेकिन कल ये जज्बा एक ऐसे परिवार में देखने को मिला जिसने हाल ही में अपने परिवार के एक शख्स को खो दिया, फिर भी उस परिवार का जज्बा कम नहीं हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की, जिनकी दो दिन पहले ही नक्सली हमले में मौत हो गई। मतदान का निशान दिखाती ये महिला उसी विधायक मंडावी की पत्नी है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। पति के खोने के बाद भी पत्नी ओजस्वी का हौसला नहीं टूटा और अपने पति के सपने को साकार करने के लिए पत्नी कल बस्तर की सीट के लिए मतदान करने पहुँची। मतदान के लिए उनकी पत्नी ही नहीं बल्कि भीमा मंडावी के पिता लिंगा मंडावी और परिवार के बाकी सदस्य भी मतदान करने पहुंचे। पति की मौत और नक्सलियों की धमकी ने इस परिवार के हौसले को टूटने नहीं दिया। भीमा मंडावी का पूरा परिवार पोलिंग बूथ पर मतदान करने की लाइन में खड़ा नजर आया। लाइन में लगा ये परिवार भीमा मंडावी को याद कर रोता तो जरूर रहा, लेकिन मतदान करने की इस हिम्मत को परिवार ने बरकरार रखा। गौरतलब है कि यदापाल के अलावा श्यामगिरी में भी बड़ी संख्या में मतदाता बाहर निकले। श्यामगिरी वही जगह है जहां नक्सलियों ने विधायक भीमा मंडावी के वाहन पर हमला किया था। 9 अप्रैल को बस्तर के संसदीय क्षेत्र दंतेवाड़ा के श्यामगिरी में नक्सलियों ने विधायक भीमा मंडावी के काफिले पर हमला कर दिया था। इसमें विधायक भीमा मंडावी, उनके ड्राइवर और 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। मौत के दूसरे दिन बुधवार को विधायक भीमा मंडावी का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद आज उनकी अस्थियों को परिवार ने विसर्जित कर दिया है। इस मुश्किल हालात में अपने हौसले को कायम रखना आसान नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई डर और कोई भी गम आपके मकसद को पूरा होने से नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।